यूरोप के देशों में तेज होता जा रहा है किसानों का प्रदर्शन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को शिकागो मैगजीन ने शिकागो वासियों की टॉप 50 की सूची में शामिल किया है। राजा कृष्णमूर्ति को इस लिस्ट में 24वें स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही कृष्णमूर्ति शिकागो मैगजीन में इस स्थान पर शुमार होने वाले पहले दक्षिण एशियाई हस्ती हैं। हालांकि इस लिस्ट में इलिनॉयस के गवर्नर जेबी प्रिंसकर का नाम पहले पायदान पर है। पाकिस्तान में नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। लंबी बैठकों के बाद नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल की पार्टी पीपीपी के बीच गठबंधन को लेकर फार्मूला तैयार हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक बार फिर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। हालांकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई संसद में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और अब पीपीपी और पीएमएलएन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने गाजा में सीज फायर वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसराइल हमास जंग को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव पर 15 मेंबर देशों ने वोटिंग में भाग लिया। 13 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया, जबकि ब्रिटेन ने वोटिंग से खुद को बाहर रखा। यूरोपीय देशों में किसानों का प्रदर्शन बढ़ रहा है। खेती पर बढ़ती लागत और यूरोपीय यूनियन के लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ किसानों ने ग्रीस की संसद के सामने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड और इटली समेत यूरोप के सभी देशों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।